आज मशीन और टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी की एक अहम हिस्सा बन चुकी है। मशीन्स जो इंसानों की तरह सोच और सीख सकती है, क्या यह मानव के लिए वरदान है या खतरा? बात कर रहे हैं AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की, और यह माना जा रहा है कि यह AI से काफी पावरफुल साबित हो सकता है, और लोग इससे चिंतित क्यों हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग अपने जॉब्स को बचाने का प्रयास कर रहे थे, वहीं अब AGI आ गया है और बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि अब ह्यूमन और AGI में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को समझने के लिए अभी हम आर्टिफिशियल को कट करते हैं और पहले जनरल इंटेलिजेंस को समझते हैं। जनरल इंटेलिजेंस यानी सामान्य बुद्धिमत्ता जो हम इंसानों के अंदर भी होता है। जनरल इंटेलिजेंस को जी फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, और जी फैक्टर का सिद्धांत यह कहता है कि सामान्य बुद्धिमत्ता एक केंद्रीय कारक है जो किसी व्यक्ति की सभी मानसिक क्षमताओं को प्रभावित करता है, जैसे लैंग्वेज सीखना, तर्क वितर्क करना, किसी जटिल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हालांकि सामान्य बुद्धिमत्ता हर कार्य में लागू होता है, लेकिन मानव के पास कुछ खास क्षेत्रों में विशिष्ट कैपेबिलिटीज होती है। कुछ उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे एक साइंटिस्ट जिसे प्राकृतिक समझ का होना, जिससे नई खोजों के लिए लगातार रिसर्च करना और जटिल समस्याओं को हल करना शामिल है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल, एक व्यावसायिक नेता जिसे सोशल अनुकूलन का आभास होना, जिससे अलग अलग लोगों के साथ सक्सेसफुली बातचीत करना और तेजी से बदलते व्यावसायिक परिवेश में खुद को अनुकूलित कर सकता है। थर्ड एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो हर सब्जेक्ट को सीखने और समझने में कैपेबल है, चाहे साइंस, मैथ या फिर हिस्ट्री या फिर कोई अदर सब्जेक्ट भी क्यों ना हो। इसे बहुत ही सिंपल कहें तो जनरल इंटेलिजेंस इंसान की वह क्षमता है जो उसे सोचने, समझने और क्रिटिकल सिचुएशन का सामना करने में मदद करता है। यह किसी व्यक्ति के मानसिक विकास और बौद्धिक क्षमताओं का आधार है, और इस कॉन्सेप्ट को एक मशीन या कंप्यूटर के अंदर डेवलप किया जाए तो उसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहा जाता है, अर्थात एक ऐसी कॉन्सेप्ट जिसका उद्देश्य इंसानी दिमाग के स्तर को बौद्धिक क्षमता वाले मशीन या कंप्यूटर सिस्टम को बनाना AGI कहलाएगा। AGI का लक्ष्य मशीन और कंप्यूटर को सभी प्रकार के मानसिक कार्य करने में सक्षम बनाना है, ठीक वैसे ही जैसे इंसान करता आया है। अब हम बात करेंगे AGI के फायदे और नुकसान की, तो पहले इसके फायदे की बात करते हैं, तो इसे हम कुछ पॉइंट में एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है मेडिसिन इन एडवांसमेंट। AGI से मेडिकल रिसर्च को तेजी से किया जा सकता है, साथ ही नई बीमारियों का इलाज खोजने और कॉम्प्लेक्स सर्जरी को सटीकता से करने में मदद करता है। सेकेंड, साइंसिफिक रिसर्च। AGI न केवल पहले से डेवलप साइंस में सुधार कर सकता है, बल्कि नई रिसर्च में भी हेल्प कर सकता है। यह इंसानों की सीमाओं से आगे जाकर डेटा को एनालिसिस करने और सॉल्यूशन में हेल्प कर सकता है। थर्ड है ऑटोमेशन। AGI हर कार्यों को ऑटोमेटिक रूप से कर सकता है, जैसे डोमेस्टिक कार, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, सर्विस सेक्टर। AGI विभिन्न क्षेत्रों में इंसानों की मदद करके जीवन को सुविधाजनक बना सकता है, जैसे ऑटोमेटेड वाहन, स्मार्ट घर, पर्सनल AI असिस्टेंट ETC। अब हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस से होने वाले खतरे के बारे में डिस्कस करते हैं, इसे भी कुछ पॉइंट में समझते हैं। फर्स्ट है कंट्रोल एंड सेफ्टी। AGI के अत्यधिक बुद्धिमान होने से उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है, अगर इसका गलत तरीके से यूज हुआ तो खतरे का कारण बन सकता है। सेकेंड है इथिकल कंसर्न्स। अगर AGI के पास इंसानों जैसी भावनाएं और इच्छाएं होती है तो इसकी इथिकल चिंताएं बढ़ जाएगी। थर्ड है इम्पैक्ट ऑन जॉब्स। ऑटोमेशन के कारण कई इंडस्ट्रीज में नौकरियां चली जाएगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी बढ़ जाएगी। फोर है यदि AGI तकनीक गलत हाथों में चली जाए तो इसका उपयोग हथियारों के निर्माण, साइबर अटैक्स या अन आपराधिक एक्टिविटी के लिए भी किया जा सकता है। AGI अभी शुरुआती चरणों में है। OpenAI, Google, DeepMind और अन्य AI संगठन इसे डेवलप करने में लगी है। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और वीडियो के साथ, तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।